जिला प्रभारी मंत्रियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर बिहार से, जहां सभी मंत्रियों के बीच जिले का आवंटन किया गया है और इस लिस्ट में सम्राट चौधरी को पटना का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, विजय सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही विजय चौधरी नालंदा और पूर्णिया के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। विजेंद्र यादव वैशाली के प्रभार मंत्री बनाए गए हैं। प्रेम कुमार नवादा के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। श्रवण कुमार समस्तीपुर और मधेपुरा के प्रभारी मंत्री बने हैं। संतोष सुमन औरंगाबाद के प्रभारी मंत्री बने हैं। सुमित कुमार सिंह सारण के प्रभारी मंत्री बने हैं। रेणु देवी सिवान की प्रभारी मंत्री बनी है। मंगल पांडे दरभंगा और बेगूसराय के प्रभारी मंत्री बने हैं। इसके अलावा नीरज कुमार सिंह कटिहार के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। अशोक चौधरी सीतामढ़ी और जहानाबाद के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। लेसी सिंह मधुबनी की प्रभारी मंत्री, मदन सहनी सुपौल के प्रभारी मंत्री और नीतीश मिश्रा अररिया और गया के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा नितिन नवीन बक्सर और कैमूर के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। दिलीप जायसवाल सहरसा के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। महेश्वर हजारी खगड़िया के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। शीला कुमार शेखपुरा और लखीसराय की प्रभारी मंत्री बनाई गई है। सुनील कुमार पूर्वी चंपारण के, तो वही जनक राम पश्चिम चंपारण के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। हरी सहनी अरवल के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। कृष्ण नंदन पासवान गोपालगंज के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। जयंत राज रोहतास के, जमा खान किशनगंज और शिवहर के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। रत्नेश सदा जमुई के, केदार गुप्ता मुंगेर के, सुरेंद्र मेहता बांका के और संतोष कुमार सिंह भागलपुर के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां जिला प्रभारी मंत्रियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और बिहार संपादक अशोक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, सामने लक्ष्य विधानसभा का चुनाव है, लेकिन इससे पहले मंत्रियों की जिम्मेदारी अब बढ़ा दी गई है, जिलों का आवंटन कर दिया गया है, किस रूप में इसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद और केंद्र में मंत्रिमंडल गठन के बाद अब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के भी संकेत अब मिलने लगे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने आज सभी मंत्रियों को उनके जिला के प्रभार के रूप में सौंप दिया है और जो राज्य के 40 जिले हैं उनके प्रभारी मंत्री बनाए गए, जिसमें विजय कुमार सम्राट चौधरी को पटना का प्रभार दिया गया है, तो विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर का प्रभार दिया गया है। और वहीं विजय चौधरी पूर्णिया और नालंदा के मंत्री बनाए गए हैं, तो श्रवण कुमार को समस्तीपुर का प्रभार दिया गया, विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली का दिया गया है। तो इस तरह से सभी मंत्रियों को अलग अलग जिले का प्रभारी बनाया गया है और जो वरिष्ठ मंत्री हैं जो उनको दो दो जिला का प्रभार दिया गया, जैसे श्रवण कुमार को समस्तीपुर और मधुपुरा का प्रभारी बनाया गया। हालांकि विजेंद्र प्रसाद यादव, क्योंकि स्वास्थ्य उनका अभी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए उनको वैशाली का बनाया गया है, लेकिन जैसे सुरेंद्र मेहता को बांका का बनाया गया है, सुमित कुमार सिंह को सारण का बनाया गया है, संतोष कुमार सुमन को औरंगाबाद का बनाया गया, रेणु देवी को सिवान का प्रभारी मंत्री बनाया गया, तो सभी मंत्रियों को जिला प्रभार दे दिया गया और पूरी तरह से राज्य सरकार अब एक्शन मोड में है। जल्द ही ये जिला प्रभारी मंत्री जिलों का दौरा करेंगे, वहाँ हम 20 सूत्री की बैठक बुलाएंगे, फिर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और राज्य सरकार भी चाहती है कि पिछले 3 महीने जो चुनाव में व्यतीत हुए हैं उसको लेकर के राज्य में विकास का जो काम है वो एक तरह से कहिए रुक गया है, तो अब विकास की गति तेज हो, जल्द से जल्द जो योजनाएं बनी हैं उसको धरातल पर उतारा जाए, जो योजनाएं चल रही हैं उसको समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए और जो योजनाएं अब निर्धारित हैं या जिनको शुरू करना है उसके लिए भी तुरंत उस पर एक्शन हो, इसलिए जिले के प्रभारी मंत्रियों को जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्हें तुरंत एक्शन मोड में आने का निर्देश दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में मिशन 2025 की तैयारी में नीतीश सरकार जुट चुकी है और यही वजह है कि मंत्रियों के बीच जिलों का आवंटन किया गया है ताकि जिलेवार तरीके से विकास हो सके और धरातल पर विकास की गति क्या है इसकी सच्चाई सामने आए और विधानसभा चुनाव से पहले विकास की गति को तेज किया जा सके।